अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, माई नेम इज़ मोहम्मद नईम अशरफ। आज मैं आपको अक्सर के जिस फार्मूले के बारे में बताऊंगा, उस फार्मूले का नाम है रैंक। रैंक फार्मूला बेसिकली यूज़ किया जाता है किसी भी पर्सन की रैंकिंग के लिए। रैंकिंग से मुराद है कि हम उसकी नंबरिंग लगा सकते हैं कि यह पर्सन ने अगर कोई अपनी परफॉर्मेंस अपनी दिखाई है तो उस पूरे ग्रुप के अंदर वो कितने रैंक पर है, कितने नंबर पर उसकी परफॉर्मेंस आई है। इस फार्मूले को हम लोग प्रैक्टिकल करने के लिए चलते हैं अपनी एक्सेल की शीट के ऊपर। एक्सेल शीट के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक फार्मूला अप्लाई किया हुआ रैंक है, उसको मैं सबसे पहले डेल करता हूं ताकि आपके सामने मैं दोबारा इस फार्मूले को अप्लाई कर सकूं। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए मैंने डेटाबेस कुछ ली हुई है। इसके अंदर मैंने मार्कशीट एक बनाई हुई है स्टूडेंट्स की। मार्कशीट के अंदर मैंने कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, इमरान, इरफान, रिजवान, आमिर, उस्मान, नुमान और राशिद। आगे मैंने लिखा हुआ है कि इसने इंग्लिश, उर्दू, मैथ और अरबिक में स्टूडेंट्स ने डिफरेंट मार्क्स लिए हुए हैं। आगे मैंने उनके ऑब्टेन मार्क्स लगा दिए कि उन्होंने टोटल जो मार्क्स पूरे सब्जेक्ट में जो वो हासिल किए हुए 145 हैं। अली ने, इमरान ने 175, इरफान ने 153, रिजवान ने 135, आमिर ने 166, उस्मान ने 118, नुमान ने 168 और राशिद ने 94। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर एक फार्मूला अप्लाई करूँ कि मुझे पता चल जाए कि जो अली है वो इस पूरे आठ स्टूडेंट्स के अंदर वो कितने नंबर पर आया हुआ है। उसके लिए फार्मूला हमारे पास बड़ा सिंपल सा है, रैंक। इस रैंक के फार्मूले की मदद से हम उस स्टूडेंट्स को देख सकते हैं कि वो स्टूडेंट्स इन आर्ट्स के अंदर से कितने नंबर पे आया है। इसको अप्लाई करते हैं हम लोग। सबसे पहले करेंगे इक्वल का साइन प्रेस किया, रैंक प्रेस करने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद वो पूछ रहा है नंबर कि आपने किसको ट्रेस करना है। मैं कहता हूँ जी 145 नंबर को मैंने ट्रेस करना है। 145 नंबर मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद कोमा लगाऊंगा। कोमा लगाने के बाद वो कह रहा है रेफरेंस इन ऑर्डर, ये रेफरेंस मुझे बताएं कि मैंने किसके अंदर से क्या फाइंड करना है। मैं उसे एरिया बताता हूँ कि 145, 171, 153, 135, 166, 180, 168, 94, यानी 8 नंबर्स हैं। इसके अंदर से मुझे फाइंड करके बताओ कि जो 145 नंबर है ये कितने नंबर पे आया है। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट बंद करूँगा और एंटर का बटन प्रेस करूँगा। एंटर का बटन प्रेस किया तो मेरे पास आ गया 5 कि जो अली है ये 5वें नंबर पे आया है। हम इसको चेक करते हैं 175, यानी 5वें नंबर से मुराद है कि ये 5वें नंबर पे, इसके ऊपर 4 नंबर ऑलरेडी हैं। हम वेरीफाई करते हैं 175, ठीक है, 153 दो हो गए, 166 तीन हो गए, 168 फोर हो गए। बिल्कुल सही कहा उसने कि जो 145 है ये 5वें नंबर पर। अगर मैं इस फार्मूले को कॉपी करके नीचे की तरफ पेस्ट करता हूँ तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो ठीक नहीं आएगा। ठीक है, वो रिजल्ट इस वजह से ठीक नहीं आएगा क्योंकि आपने एरिया जो है वो हर दफ़ा डिफरेंट हो जाएगा। इसका बेसिक तरीका ये है कि अगर आपने इस फार्मूले को अप्लाई करना है, आप कहते हैं जी मैंने कॉपी पेस्ट करना है, तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप पहले इसके ऊपर जहाँ पर आपने फार्मूला पहले अप्लाई किया होगा इसके ऊपर F2 प्रेस करें। F2 प्रेस करने के बाद आप अपना जो एरिया है उसको फिक्स कर दें। फिक्स करने के लिए आप लोग क्या करेंगे कि जिस जहाँ से आपका एरिया स्टार्ट होता है H6 सेल से, यहाँ पर लेकर आएँ कर्सर और F4 का बटन प्रेस कर दें। और उसके बाद जहाँ पर क्लोज होता है वहाँ पर भी F4 का बटन प्रेस कर दें। देन आपका जो एरिया है वो फिक्स हो जाएगा, आपका जो रिजल्ट है बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगा। उसके बाद आप एंटर का बटन प्रेस करें और देन Ctrl+C और Ctrl+V प्रेस करें। अब आपका जो रिजल्ट है बिल्कुल एक्यूरेट आ गया। देखिए 175 जिसके मार्क्स हैं वो पहले नंबर पर है, 168 वाला दूसरे नंबर पर है, 166 तीसरे नंबर पर, 153 फोर नंबर पर, 145 फिफ्थ नंबर पर है, 135 वाला सिक्स नंबर पर है, 118 सेवन और 94 वाला एट नंबर पर है। बहुत सिंपल फार्मूला है कि इसको आप लोग अपने ऑफिस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर आपने किसी सेल्स पर्सन की परफॉर्मेंस देखनी हो उसके लिए भी आप रैंकिंग का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। स्कूल के अंदर टीचर्स अपने जैसे मार्कशीट बनाते हुए किसी बच्चे की रैंकिंग चेक करने के लिए भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत ईजी फार्मूला है, इसको आप लोग हर जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप हर पर्सन को यह फार्मूला बहुत ईजीली समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट्स में लाजमी लिखिएगा और इस वीडियो का फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराना ना भूलिएगा। नई वीडियो तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।